हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन इन अकाउंट्स। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल अल्टिल नाउ, सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोज। लाइक एंड शेयर इट ऑल्सो। दीज आर अवर सोशल मीडिया हैंडल्स वेयर यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज एंड फेसबुक पेज फॉर गेटिंग न्यू अपडेट एंड लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, इट इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। भैया, हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। हर ट्रांजैक्शंस की क्या दो साइड होती है, वन इज डेबिट अनदर इज क्रेडिट। क्लियर है बात? इन अकाउंटिंग इक्वेशन देयर विल बी ऑलवेज एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमेशा क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स बराबर होगी किसके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। क्लियर है बात? यस या नो? यस। और अकाउंटिंग इक्वेशन को हम एक चीज और से डिनोट कर सकते हैं, एक नाम से और डिनोट करते हैं, विच वन इज बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन। क्लियर है बात? तो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो किस बेस पे है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बेस पे। किस बेस पे? ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे। क्लियर है बात? इसके अकॉर्डिंग एसेट्स इक्वल टू होगी किसके, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। क्लियर है बात? यस या नो? क्लियर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग द अकाउंटिंग इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको कितने तरीके के नेचर्स, ट्रांजेक्शन के नेचर्स इफेक्ट करते हैं। वन इज ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू आइटम्स। कितने? टू आइटम्स। और सेकेंड वन इज ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग टू और मोर आइटम्स। क्लियर है बात? और अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है, एसेट्स बराबर है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब हमें लायबिलिटी गिवन है, तो हम लायबिलिटी और कैपिटल गिवन है तो एसेट्स निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? सपोज लायबिलिटी निकालनी है, लायबिलिटी कैसे निकलेगी, एसेट्स माइनस कैपिटल। और कैपिटल निकालनी हो तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। दीज आर द अकाउंटिंग इक्वेशंस। क्लियर है बात? लेट अस स्टार्ट विद एन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। क्लियर है बात? फर्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्व करने का। द फर्स्ट वी विल प्रिपेयर फॉर्मेट। सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। दिस इज द फॉर्मेट टू सोल्व द क्वेश्चन। एंड ऊपर दिस इज द क्वेश्चन दैट शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट इक्वेशन। बस हमें क्या बनाना है, केवल अकाउंटिंग इक्वेशन, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन, दीज आर द ट्रांजेक्शन। क्लियर है बात?
अब ऊपर क्या लिखना है हमें, क्या चीज? अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या चीज? अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लियर है बात? नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो हमें सीरियल नंबर डालना है फर्स्ट, उसके बाद फुल ट्रांजेक्शन, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, आपको पूरा लिखना है। अभी स्पेस नहीं है इसलिए मैं स्पेस बाहर लिख करके छोड़ रहा हूँ। क्लियर है बात? नाउ क्या है, मोहन स्टार्टेड विद कैश, मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा करके। तो इसका मतलब कि दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन सा? कैश और कैपिटल। कैश कैसा अकाउंट है? हमारा रियल अकाउंट है। और कैश हमारे लिए क्या है? एसेट्स। कैश कैसे ही हमारे लिए एसेट्स। क्लियर है बात? एक सेकेंड, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर है फर्स्ट ट्रांजेक्शंस? ठीक। अब कैश है, कैश हमारा क्या है? एसेट्स है, तो हम एसेट्स में कैश लिख देंगे। और दूसरा कैपिटल है, कैपिटल में कैपिटल की जगह लिख देंगे कैपिटल। कैश कितना है? 40,000। तो 40,000 इधर एंड इज इक्वल टू 40,000 कैपिटल। क्लियर है? दोनों साइड बराबर है। देयर विल बी ऑलवेज डेबिट साइड विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड, मीन्स एसेट्स विल बी इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इफ बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल देन यू कैन, यू हैव टू रीचेक टू वेयर इज योर फॉल्ट या मिस्टेक, दैट वाई योर एसेट्स एंड कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी आर नॉट इक्वल। सेकेंड ट्रांजेक्शन सेम सपोज ऐसे ही, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, भाई उधार गुड्स खरीदे है कितने का? 15,000 का। भाई जब हमने गुड्स परचेज किया होगा तो हमारा स्टॉक बढ़ा होगा, भाई जब हमारे पास सामान आया होगा तो हमारा जो स्टॉक था, भाई सामान हमारा क्या है? सामान है। और जो वो क्या होता है? स्टॉक। भाई जब हमने सामान खरीदा होगा तो हमारा जो स्टॉक था पहले जितना सामान था और उसमें और ऐड किया होगा तो हमारा स्टॉक बढ़ा होगा। और स्टॉक हमारी क्या है? एसेट्स है। तो स्टॉक कितना हो गया? 15,000। और प्लस अब उधार खरीदा है तो इसका मतलब कि दैट मनी वी हैव टू पे, एंड दैट मनी विच इज पेड, जिससे हमने सामान खरीद लिया बट पेमेंट नहीं दी, तो वो हमारे लिए जब तक हम पेमेंट नहीं देंगे वो क्या रहेगी? क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है? लाइबिलिटी। तो एक क्रेडिटर। क्लियर है? हाउ मच? 15,000। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके सेकंड ट्रांजेक्शन के बाद टोटल क्या करना है? टोटल, टोटल अब ये देखो 40,000 प्लस 50,000, 40,000 प्लस 15,000, दोनों साइड बराबर है भाई। 55,000 एसेट्स है, 55,000 कैपिटल प्लस लाइबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब थर्ड ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, भाई कैश में फर्नीचर खरीदा है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, कैश में परचेज किया है तो इसका मतलब कि बिजनेस से कैश गया तो कैश में से हम माइनस कर देंगे। कितना? 10,000। और दूसरा क्या चीज बढ़ गई हमारी? फर्नीचर। और फर्नीचर हमारा कैसी है? एसेट्स है। तो फर्नीचर हमारा हो गया 10,000 का, इधर कुछ भी नहीं है तो जीरो जीरो। क्लियर है? अब फिर हम क्या करेंगे? टोटल। अब टोटल अब जब हम करेंगे तो ये कितना आ गया? 30,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 14,000
सॉरी 40,000 प्लस 50,000, भाई दोनों साइड का 50-55,000 है, यस। तो इसका मतलब अभी तक हमारे क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है। अब नेक्स्ट, पेड रेंट एंड सैलरी, बट रेंट और सैलरी हमने दे दी, किस में दिया, पेड आ गया मीन्स कैश में, कितना 300 एंड 700, कोई दिक्कत नहीं है भाई। भाई ये हमारी न्यू इक्वेशन थी, ये हमारी न्यू इक्वेशन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन से, न्यू इक्वेशन है उसको यहीं पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 30 प्लस 15 प्लस 10,000, ये कैश स्टॉक प्लस फर्नीचर इजिकल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल थी हमारी 40,000 प्लस क्रेडिटर थे हमारे 15,000, यही था। अब फोर्थ का ट्रांजेक्शन, अब क्या दे दिया उसने हमें, हमने दे दिया मींस बिजनेस ने रेंट पे कर दिया और सैलरी पे कर दी, तो इसका मतलब कैश कितना गया, कैश 1,000 गया भाई, गया कैश 1,000, कैश में से 1,000 माइनस कर देंगे। दूसरा हमारी कैपिटल में से कम होगी भाई, जो हमने 1,000 रुपीस दिए हैं वो हमारी किस में से कम होगी, कैपिटल में से कम होगी, क्लियर है बात भाई। ये हमारी कहां से कम होगी, कैपिटल अकाउंट में से, कहां से, कैपिटल अकाउंट में से। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल, अब टोटल करेंगे तो क्या होगा भाई, कैपिटल एक तरीके के हमारा एक्सपेंस है, तो हम ये मान लेंगे कि इतने का कैपिटल हमारा क्या हो गया, कम हो गया, और दूसरा हमारे किस में से, कैश में से कम हो गया। तो टोटल हमने किया होगा, जब न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी होगी, न्यू इक्वेशन हमारी बनी होगी 29,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 और 39,000 प्लस 15,000। नेक्स्ट फिफ्थ वन है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 ऑन क्रेडिट रुपीज 15,000, भाई 12,000 का सामान 15,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब कि हमारा स्टॉक कितने का कम हुआ है, 12,000 का, कितने का बेचा है, 15,000 का भाई, उधार बेचा है ना, कैश तो बोल ही नहीं रखा, तो इसका मतलब क्रेडिट बोला, उधार, उधार मींस हमारे डेटर बढ़ गए, मींस डेप्टर, डेप्टर कितने हो गए हमारे 15,000, भाई हमने 12,000 का सामान 15,000 में बेचा, तो हम पैसे तो कितने लेंगे, 15,000, तो अब जो 3,000 है वो हमारी क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, इसका मतलब बिजनेस की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो गई प्लस 3,000, क्लियर है। न्यू इक्वेशन क्या आई, न्यू इक्वेशन है 29,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 43,000, यही आएगी ना, सॉरी 42,000 प्लस 15,000, क्लियर है। नेक्स्ट वन क्या बोला है, पेड क्रेडिटर, क्रेडिटर को पैसा दे दिया कितना 8,500, कोई दिक्कत नहीं है भाई, भाई पैसा दे दिया तो इसका मतलब कि कैश कम हो गया भाई, कैश कम हो गया ना, कितना 8,500। दूसरा हमारी क्रेडिटर कम हो गया, क्रेडिटर कितना कम हो गया 8,500। न्यू इक्वेशन क्या आ गई, 20,500 प्लस 300,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 42,000 प्लस 6,500, क्लियर है बात।
आ तो रहे ना समझ में? यस। नेक्स्ट वन है सेवंथ, रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला है कितना? 1500। तो इसका मतलब कि कैश में मिला है, और दूसरा इससे हमारी क्या कैपिटल इंक्रीज हुई होगी। तो इसका मतलब एक तो हमारा कैश में मैं जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो हम पहले यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे। सेवन, 1500 हमारी क्या इंक्रीज हुई है? कैश। और दूसरा कैपिटल इंक्रीज हुई है। जो भी नॉमिनल अकाउंट है वो ऑलवेज विल बी एडिड और डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात? देन तो न्यू इक्वेशन हमारी आ गई, ये तो जीरो, ये जीरो, इसमें कोई एड लेस नहीं, तो ये हमारा आ गया कितना? 22,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000। अब उसके बाद है नेक्स्ट वन, एट्थ ट्रांजेक्शन। एट्थ ट्रांजेक्शन क्या है? विथड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। भाई प्राइवेट यूज के लिए कैश निकाला था, इसका मतलब ड्रॉइंग्स निकाली है, और दूसरा बिजनेस से निकाला है कैश, तो इसका मतलब कि एक तो कैश कम हो गया, और दूसरा हम ये मानेंगे कि जब उसने कैश निकाल दिया तो उसकी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। तो इसका मतलब एक तो हमारा हो जाएगा 4000 कैश में से कम, यही है ना, और उसके बाद तो कोई चेंज नहीं है। और दूसरा हमारा कैपिटल में से कम कितना? 4000। तो न्यू इक्वेशन जो आई हमारी, दैट विल बी हाउ मच? 18,000 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू हाउ मच? दैट विल बी 43,500। तो ये हमारी आएगी 39,500 प्लस 6,500। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? बोट गुड्स फ्रॉम राम। राम से गुड्स खरीदा है 8,000 का एंड पेड 5,000 इमीडिएटली। भाई हमने गुड्स कितने का खरीदा? 8,000 का, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा स्टॉक कितने का बढ़ गया? 8,000 का। कैश कितना दिया है? 5,000। भाई 5,000 हमारा लेस हो गया, और दूसरा अभी भी 3,000 बाकी है, तो इसका मतलब वो हमारा क्रेडिटर है। भाई यही तो बात है, स्टॉक बढ़ गया, कैश चला गया, और जितना कैश नहीं दिया वो हमारी एक तरीके की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी कैसी है? क्रेडिटर है। तो न्यू इक्वेशन जो हमारी आएगी, दैट विल बी द 13,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 39,500 प्लस 9,500। देयर विल बी ऑलवेज इक्वल एसेट्स विल बी द 49,000 एंड लाइबिलिटीज विल बी द 49,000। If these are both the sides are equal, then it means our accounting equation is correct. Clear hai baat? This is the way to prepare accounting equation, to solve the questions and how accounting equation is prepared. If we will solve practical example of accounting equation, how accounting equation will be solved. As we have discussed, what is the format of to solve अकाउंटिंग इक्वेशन? सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। क्लियर है बात? फर्स्ट वन, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। इसका मतलब कि बिजनेस स्टार्ट किया है, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा, व्हाट इज इट विल बी रिकॉर्डेड। कैश लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब कि कैश आया है। सेकंड वन कैपिटल, यही है ना। तो कैश हाउ मच? 80,000, कैपिटल 80,000। क्लियर है बात? सेकंड ट्रांजैक्शन, बोट गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 25,000। भाई कैश में खरीदा है
20,000 और उधार खरीदा है 25,000, तो इसका मतलब टोटल गुड्स कितने का खरीदा है 45 का। तो हमारा जो स्टॉक होगा वो कितने का होगा, स्टॉक विल बी रुपीज़ 45,000, जिसमें से हमने कैश दे दिया 20,000। तो एंड लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज कितनी हो गई, लाइबिलिटी हमारी हो गई, और हमारी लाइबिलिटी विल बी इंक्रीज मीन्स क्रेडिटर इंक्रीज, हाउ मच क्रेडिटर विल इंक्रीज 25,000। देन वी विल डू टोटल न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन हमारी कितनी है 60,000, 45,000 इज इक्वल टू 80,000 प्लस 25,000। थर्ड ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है, पेड वेजेस 3,000 एंड रेंट। तो टोटल हमारा कैश कितना गया 4,000, भाई 4,000 हमारा कैश से कम हो जाएगा, ट्रांजेक्शन हमने लिखना है कैश में 4,000, क्लियर है। दूसरा हमारा कैपिटल से कम हो जाएगा कितना 4,000, तो हमारी न्यू इक्वेशन व्हाट विल बी, इट विल बी 56,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 76,000 प्लस 25,000, क्लियर है बात। नाउ फिफ्थ, वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस देना बाकी है हाउ मच 1,000, तो 1,000 हमारा वेजेस देना बाकी है, तो क्या एंट्री बनती है इसमें, दो अकाउंट कौन कौन से है, वन इज वेजेस, सेकंड वन इज आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इसका मतलब तो एक तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज है और दूसरा हमारा क्या है कैपिटल में से कम होगा। दो फोर्थ ट्रांजेक्शन, जीरो प्लस जीरो एक, 1,000 माइनस होगा किस में से, कैपिटल में से, दूसरा हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो जो न्यू इक्वेशन आएगी वो न्यू इक्वेशन हाउ मच 56,000 प्लस 45,000 75,000 प्लस 26,000, क्लियर है बात भाई, क्लियर है ना बात, यस या नो, यस। चले नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन चले, यस ओके। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है हमारा, सेल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 ऑफ रुपीज 16,000 फॉर कैश, 12,000 का गुड्स 16,000 में बेच दिया, तो हमारा जो स्टॉक कम होगा वो कितना कम होगा भाई, स्टॉक कितने का कम होगा 12,000 का, कैश कितना आएगा 16,000, और हमारी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हमारा हुआ है 4,000 का, इट विल बी एडिड टू कैपिटल अकाउंट। तो जो हमारी न्यू इक्वेशन आएगी, व्हाट विल बी द न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन विल बी द 72,000, 33,000, 79,000 प्लस 26,000, क्लियर है। नेक्स्ट वन, अब हम चल रहे हैं अगला है, गुड्स वाज, गुड्स बोट वाज रिटर्न टू क्रेडिटर, जिससे हमने लिया था उसको गुड्स वापस कर दिया, तो दूसरा हमारा स्टॉक से कम हो गया, दूसरा हमारी लायबिलिटी कम हो गई क्रेडिटर, तो इसका मतलब कौन सा ट्रांजेक्शन है ये, सिक्स, तो हमारा हो जाएगा 1,000 रुपीज, तो हमारा किससे, स्टॉक से कम हो जाएगा, और दूसरा हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, क्रेडिटर कम हो जाएगा 79,000 में, सॉरी कैपिटल में कोई चेंज नहीं, माइनस हो जाएगा किस में से, 1,000 क्रेडिटर में से। जब न्यू इक्वेशन आएगी, न्यू इक्वेशन विल बी द 72,000 प्लस 32,000 इज इक्वल टू हाउ मच, 79,000 प्लस 25,000, क्लियर है। सेवंथ ट्रांजेक्शन, सेवंथ ट्रांजेक्शन क्या बोला है,
बोट गुड्स फॉर कैश 2000, ओन ऑन क्रेडिट 3000, तो स्टॉक हमारा कितना इंक्रीज हो गया 5000, कैश कितना गया 2000, इट मीन्स 3000 के हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो गए। तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे भाई, स्टॉक हमारा बट इंक्रीज हो गया कितने का, स्टॉक हमारा इंक्रीज हो गया हाउ मच, फर्नीचर खरीदा था तो हमारा फर्नीचर आ गया, फर्नीचर कितने का आ गया, फर्नीचर हो गया हमारा 3000 का, सॉरी 5000 का, जिसमें से कैश कितना दिया है 2000 प्लस, और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई कितने की 3000 की। क्लियर है बात? तो जो न्यू इक्वेशन आएगी वो न्यू इक्वेशन विल बी 70,000 प्लस 32,000 प्लस 5,000 का हमारा फर्नीचर 79,000 प्लस 28,000 के हमारे क्रेडिटर्स। क्लियर है बात? एट्थ ट्रांजैक्शन जो भी होगा वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या ट्रांजैक्शन है? चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 10%, तो इट मीन्स आवर कैपिटल विल इंक्रीज एंड कैपिटल विल डिक्रीज ऑल्सो। इस केस में अगर चार्ज इन कैपिटल और ड्राइंग होगा तो इस केस में दोनों में एक फर्स्ट टाइम में भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज होगा तो इसका मतलब कि हमारी कैपिटल भी बढ़ेगी, और दूसरा 80,000 का 10% मीन्स 8,000 हमारी कैपिटल भी इंक्रीज होगी और 8,000 कैपिटल डिक्रीज भी होगी। इंटरेस्ट मिलेगा, अगर हम इंटरेस्ट देंगे तो हमारी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, और हम एक ये मानेंगे हमने उस कैपिटल में ही उसको ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बात भाई? क्लियर है ना बात? तो क्या होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट मीन्स एक्सपेंस विल रिड्यूस बाय कैपिटल, जो भी एक्सपेंस होगा वो रिड्यूस हो जाएगा कैपिटल से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल इंक्रीज द कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर देगी, इंक्रीज हो जाएगी कैपिटल। क्लियर है बात? तो अब इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, तो 8,000 हमने ऐड कर दिया, 8,000 हमने लेस कर दिया, तो जब न्यू इक्वेशन आएगी तो हमारा कोई भी इफेक्ट चेंज नहीं हुआ होगा, तो न्यू इक्वेशन हमारी होगी 70,000, 32,000, 5,000, 79,000 प्लस 28,000, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, भाई कैश डिपॉजिट किया है किसमें, बैंक में, तो बैंक में भी हमारा अकाउंट होगा तो बैंक में हमारी क्या है, एसेट्स है, और दूसरा बिजनेस से कैश चला गया तो कैश कम हो जाएगा, कितना 50,000। दूसरा हमारा बैंक, बैंक में हमारा अकाउंट ओपन हो जाएगा कितने का, 50,000 का। क्लियर है बात? तो जब न्यू इक्वेशन आएगी, व्हाट विल द न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन विल बी द 20,000, 32,000, स्पेस नहीं थी तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देते हैं, न्यू इक्वेशन हमारी क्या आएगी, न्यू इक्वेशन आ गई हमारी कितना 20,000 प्लस 32,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू, ये हमारी लायबिलिटी में साइड होगी, इसमें कैपिटल प्लस क्रेडिटर हमारा होगा, कैपिटल हो जाएगी हमारी 79,000 प्लस 28,000, और ये हमारी एसेट्स है, एसेट्स में कौन कौन सी साइड में है, कैश, कैश है, दूसरा स्टॉक, फर्नीचर, बैंक का बैलेंस। क्लियर है? अब देखेंगे एसेट्स विल बी द इक्वल टू लायबिलिटी, कितना है, दोनों क्या मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, किसके बराबर मिलेंगे, लायबिलिटी प्लस एसेट्स, कितना 1,07,000 इज इक्वल टू 1,07,000,
दोनों साइड एसेट्स विल बी द ऑलवेज इक्वल टू द लाइबिलिटी, जितना डेबिट साइड होगी उतनी क्रेडिट साइड होगी। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।